जय हिंद बच्चों, मेजर कल्सी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव त्रिपाठी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एनडीए मॉडल पेपर, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन का सेट्स है आपके लिए बनाया है, जो कि आपके जो एग्जाम होने वाले सितंबर में उनके लिए उनको मद्देनजर रखते हुए। और ये जो सीरीज है मॉडल पेपर की, ये हम रेगुलर बेसिस पे लाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मॉडल पेपर के साथ साथ आप इसको सॉल्व करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपके जो एग्जाम है उनमें काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी हद तक इसमें से मिल सकते हैं और ये काफ़ी हाई चांस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। तो इनको क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करें। और आप क्या करें, जब क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो पहले आप पॉज लें वीडियो को और फिर सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर उसके सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2^3n-7n-1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या, ये कह रहा है आपसे कि इसमें भाज्य क्या है, 2^3n-7-1 इज डिविजिबल बाई। अब ऐसे केस में कहता है क्या कि जो आपका एन होता है दैट इज प्रॉबली बिलोंग करता कहां से, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले हम n की वैल्यू पुट करते हैं। अब ये कह रहा है कि 64, 36, 49, 25, ठीक है। तो n के वैल्यू पहले हम 1 रखते हैं और 1 रखने पे देखेंगे क्या आ जाएगा, 2^3 हो जाएगा, तो 8 और -7 और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अब 0 तो सबसे कट जाता है, तो फिर चेक करेंगे क्या n के वैल्यू हम 2 ले लेंगे, और जैसे ही हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2^6, ठीक है, और -7 × 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1। तो ये 2^6 आपको पता है कितना होता है, 64 होता है, और माइनस हो जाएगा 14 और -1, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 49। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, कि ये क्या है, ये 49 द्वारा डिविजिबल है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो आपसे मिडिल टर्म के बारे में पूछ रहा है और एक्सपेंशन किसका है, x - 1/(x^18। तो आपको देखो एक चीज पता होना चाहिए कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं, अगर a प्लस बी या a प्लस माइनस बी कुछ भी होता है, उसकी एक्सपेंशन पावर n होता है, अगर n ये, ठीक है, इससे एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म होते हैं, ठीक है। और देखो अगर ये इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, और ये ऑड तो ये इवन हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर इवन टर्म्स हैं तो मिड टर्म क्या होता है, n + 1/2 टर्म, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, 19 टर्म होंगे, और 19 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, और बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। एंड 10th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। 10th टर्म एंड t r + 1 निकालेंगे हम, t 10 r + 1 करते हैं ना, तो ये t 10 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 18c9 हो जाएगा ये, और 18c9 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या, x की पावर होगा 9 इंटू -1/(x^9), फिर से क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तब देखेंगे यहाँ पे निगेटिव आ रहा होगा, ये इससे कट जाएगा पूरा, लेकिन ये माइनस आ जाएगा, यानी कि -18c9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है क्या, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सम ऑफ कोफिशिएंट पूछने क्या कहता है, जब भी आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट पूछे तो आप एक्स वैल्यू क्या कर दो, 1 पुट कर दो, ठीक है। तो देखो एक्स वैल्यू पुट करते क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, और 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3, और 2 माइनस 3 होता है -1, और -1 की पावर कितना है, 3, 1, 4, 8। तो ये क्या है, इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हमें दिया है sin³θ + 3sin θ - 1, ठीक, cos θ - 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos थीटा में इसको हम चेंज कर लेते हैं ना, तो cos थीटा में चेंज करोगे देखो क्या हो जाएगा, 1 - cos²θ, और क्या हो जाएगा, +3cos θ, और -2 = हो जाएगा ये 0। अब आप देखोगे ये क्या हो रहा होगा हमारा, -cos²θ, और ये 1 इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ +3cos θ रखेंगे, और हमारे पास क्या आ रहा होगा, -1 = 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो माइनस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, cos²θ - 3cos θ, और +1 = 0। अब जब यहाँ तक हमारा बन गया ये, अब क्या करना है आपको, ये x²-3x+1 टाइप का हो गया क्या, तो यहाँ से cos थीटा सीधे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, लगा देंगे क्या सीधा चार यहाँ से, तो -b होता है, तो -, -, +, हो जाएगा 3, और +- हो जाएगा क्या, ये 3² हो जाएगा 9, और 9- हो जाएगा 4ab, यानी कि 4, और ये बाई क्या हो जाएगा, 2। तो देखो क्या हो रहा होगा, ये हमारा 3, और +- हो रहा होगा √5, और बाई 2। बेटा आपको एक चीज़ पता है क्या, आपको ये पता है कि जो कॉस होता है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो अगर हमने प्लस लिया तो क्या हो जाएगा, 3+√5, और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कॉस टेक वैल्यू यहाँ से क्या हो रही होगी हमारी, 3 और -√5 / 2।
आपको करना क्या है कि जहां पे ये कॉस है, कॉस थीटा की जगह पे ये इसको पुट कर देना है। तो आपका देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3 √5/2 का क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 √3 √5 का क्यूब। ठीक है, अब यहां से हम आगे देख लेंगे इसको, यहां मैं हटा देता हूं इसको। तुम्हारा यहां से ये बन रहा होगा, क्या देखोगे आप, ये बन रहा होगा 3 √5/2 का क्यूब और प्लस क्या बन जाएगा हमारा, इसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 3 √2 + 3 √5 आ जाएगा, 3 √5 और ये बटा में क्या हो जाएगा, इस ये हो जाएगा 9 − 5 यानी कि 4 और इंटू 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 × 4 यहाँ बेस तो क्या हो गया हमारा सेम हो गया, क्यूब है यहाँ पे। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a³ − b³ होता तो a³ × 27 − b³ यानी कि 5 √5 और माइनस क्या हो जाएगा 3 × √5 और फिर क्या हो जाएगा हमारा अंदर से ये हो रहा होगा क्या 3 √5। ठीक है, हमने 1/8 कॉमन ले लिया सब में। ठीक है ना, यहाँ पे हम 1/8 पहले कॉमन ले लेते हैं सब में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ भी 8 आ रहा होगा, यहाँ भी 8 आ रहा होगा, तो हमने कॉमन लिया। अब यहाँ देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसमें इसमें बन जाएगा क्या 27 + 5 √5 प्लस यहाँ पे 3 × 3 √5 3ab और यहाँ पे क्या होगा a+b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस इतना चेंज आएगा, देखोगे आप यहाँ से ये वैल्यू से कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये हमारा माइनस है क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम इसको ये, और ये यहाँ देखो ये हमारा प्लस, ये निगेटिव में आएगा और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा और ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे हम। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या बन रही होगी, हम देखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा 1/8 हमारा रहेगा, यहाँ पे 1/8 बाहर रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा 54 और प्लस हो रहा है क्या 2 times है, ये 2 times है, 3 × 9 और 9 × 5 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 और 90 हो जाएगा 1/8 और इंटू क्या हो जाएगा 54 और प्लस हो जाएगा ये 90, तो 9 × 5 = 14 हो जाएगा ये 144 और 8 तो क्या हो जाएगा ये हमारा और आगा 18 × 8 = 18। ठीक है, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस जिसे ज्वाइन करने के लिए लाखों लड़के और लड़कियां एनडीए सीरियस सीएपीएफ एफकैट एमएनएस एयरफोर्स एक्स एंड वाई नेवी एसएसआर एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस इंडियन कोस्ट गार्ड और आर्मी सोल्जर जैसे कई दूसरे परीक्षा में हर साल भाग लेते हैं बट मात्र कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसका प्रमुख कारण है सही ढंग से आपकी तैयारी का ना होना। मेजर कल्सी क्लासेस के साथ आपको मिलता है तैयारी का पूरा मौका। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से जहां आपको मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट टीचर इंडिया के, जो आपको देंगे बेहतरीन गाइडेंस, बेस्ट बुक डिफेंस ओरिएंटेड जो केवल डिफेंस के लिए प्लान करके आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर की गई हैं, आपको फिट रखने के लिए बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग सेशन जहां आप अपनी फिटनेस को अप टू द मार्क कर सकते हैं, टाउट काउंटर फैसिलिटी जहां अपने अंदर किसी भी तरह की कमी हो, इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम हो बिना हेजिटेट हुए एक एक समस्या का बेहतर निवारण ले सकते हैं आप डाउट काउंटर फैसिलिटीज के माध्यम से, स्पेशल करंट अफेयर सेशन और मंथली यूनिट टेस्ट और इसके साथ साथ हर महीने आपको मौका मिलेगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के भी माध्यम से जहां आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर इस एग्जाम के रियल ग्राउंड पे आप कहां स्टैंड करते हैं और कैसे खुद पे आपको काम करके बेहतर करके आने वाले आगामी एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करना है। तो आज ही एडमिशन लीजिए और पाइए 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9696330033 पर या फिर विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। तो डिफेंस में जाना अब होगा आसान क्योंकि एमकेसी में पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। जय हिंद जय भारत। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 2 tan inverse 2x + 1 = क्या दे रहा है हमको, कॉस इनवर्स x दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करें आप फटाफट सॉल्व ट्राई करने। ठीक है, फिर देखते हैं इसको हम। तो जो हमारा इक्वेशन है ना आपसे कह रहा है क्या 2 tan inverse 2x + 1, तो एक काम अगर कर दे क्या हम इसको, या तो इसको कॉस में चेंज कर दें या इसको टैन में चेंज कर दें। ठीक है, उसको टैन में चेंज कर दें तो दोनों ही काम कर सकते हैं हम। तो हमने कहा भाई टैन 2 tan का हो जाएगा 2 tan inverse क्या है हमारे पास 2x + 1 है। ठीक है, और यहां पे क्या हमारे पास दिया हुआ है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे tan इनवर्स x को हम cos में चेंज करना चाहें या cos इनवर्स को tan में चेंज करना चाहें तो बड़ी इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ देखेंगे हम कि इसको मान लेते हैं क्या हमारा ये अगर बन गया तो ये क्या हो जाएगा x इसके लिए और ये क्या होगा इसके लिए यहाँ 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे tan के लिए बनाओगे tan का आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीधे tan हो जाएगा ये tan इनवर्स 2 थीटा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा क्योंकि ये tan में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसको अब यहाँ पे देखोगे आप कि tan tan हमारा कट जाएगा यहाँ से tan गायब हो जाएगा और यहाँ से जाएगा क्या ये 4x प्लस 2 अपॉन हमारे पास हो जाएगा क्या 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस होगा माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में और कह रहा है बाई एक्स, ठीक है। आपसे कह रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब क्या है 0 है 1 है माइनस 1 है तो इसको हम चेक कर सकते हैं ना क्योंकि कॉस इनवर्स की जो इनपुट होती है वो क्या होती है माइनस 1 से 1 के बीच में होती है तो आपको ये तो पता ही है। तो माइनस 1 से 1 के बीच में आएगा तो चेक करते हैं 0 पे आएगा क्या, ये 0 पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 पे ये 1, ठीक है। अब अगर चेक करेंगे 0 एक्स बराबर 0 चेक करेंगे ऑप्शन से यहाँ पे हम तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हम कि 2 tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ये क्या दिया cos इनवर्स 1, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है क्योंकि tan इनवर्स तो क्या होता है पाई बाई 4 होता है, ये तो हो जाएगा पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 लेकिन ये क्या हो जाएगा 0 तो यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। हम x इक्वल टू 1 चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। 2 tan इनवर्स 3 हो रहा होगा यहाँ पे और ये हमारा हो रहा होगा क्या cos इनवर्स, एक मिनट यहाँ पे हमने जब 0 रखा ना तो यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा ना ये तो पाई बाई 2 क्या होगा सेटिस्फाई कर जाएगा, सॉरी ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारा यही हमारा आंसर हो रहा होगा 0 पे जब 0 ले रहे होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2 tan इनवर्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स 0 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसको सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप क्या करें चाहे तो आप हिट एंड ट्रायल यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु ए पर किसी ई एफ दंड का उन्नयन कोण, ई एफ हमारा क्या दंड है मतलब क्या है एक हमारा टावर है जिससे दिखो लिखा है क्या टावर, ठीक है। एफ बींग द फूट ऑफ द टावर, तो क्या है जो एफ है हमारा वो टावर का क्या है फूट है, तो भैया हमने ई एफ बना दिया हमारा हो गया ये ई एफ, ये हो गया ई e, ये हो गया हमारा क्या एफ और ये क्या है उसका फूट है। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज ऑन द सेम लेवल एज एफ, तो यहाँ किसी कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ए कोई पॉइंट है हमने कहा यहाँ से ए तो इस पर क्या है द एलिवेशन एंगल जो क्या है वो क्या है अल्फा है तो अल्फा हमने बना दिया इसका तो एंगल क्या हो गया अल्फा हो गया। अब कह रहा है ऑन एडवांसिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर यानी कि थोड़ा सा इधर जाएंगे तो कह रहा है इज सीन फ्रॉम अ पॉइंट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हमने एडवांस करते हैं यहाँ पे बी आ गए हम और ये दूरी क्या है एक्स है और ये एंगल क्या हो जा रहा है बीटा हो जा रहा है। अब फिर आपको कह रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो अल्फा प्लस बीटा ये भी दिया हुआ क्या पाई बाई टू आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो हमको ऑप्शन हमारे पास ही हमको चेक करके बताना है। मैं बार फिर से हिंदी में पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा है कि हमारे पास क्या है एक किसी बिंदु ए पर किसी ई एफ दंड का उन्नयन कोण दिया हुआ है अल्फा है जो अल्फा बन गया हमारा दंड के आधार की ओर बढ़ने पर, तो उसकी तरफ जब बढ़ेंगे तो एक बिंदु आएगा बी जहाँ पे क्या है बीटा है उन्नयन कोण और फिर ए बी बराबर क्या दिया एक्स यानी कि जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो क्या है एक्स है, बी एफ क्या दिया है वाई तो बी एफ ये हमारा हो गया क्या वाई, ठीक है, और ऊंचाई क्या दिया हुआ है h, तो हाइट क्या है हमारी h दिया हुआ है और फिर अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू दिया हुआ है, तो देखो क्वेश्चन अब बन गया हमारा हमने कहा भाई tan अल्फा क्या हो रहा होगा हमारा पता है h बाई एक्स प्लस y हो जाएगा ये, ठीक है, और tan बीटा हम जब देखेंगे तो tan बीटा क्या हो रहा होगा हमारे पास h बाई वाई ये बन रहा होगा हमारा क्या h बाई वाई। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या है पाई बाई टू है ना, तो इसको मैं क्या कॉट अल्फा लिख सकता हूँ क्या कॉट अल्फा,
भाई टेन इसको 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं और 10 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा, बस इसका इसका मल्टीप्लाई करो तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इंटू वाई, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वैसे क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं, साइन 40 आई साइन 40, बस यहाँ पे लगा दो क्या डिमाइवर, लेकिन पहले आपको यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे कॉस 50 है ना भाई, साइन 40 को मैं कॉस 50 लिख सकता हूँ और प्लस क्या हो जाएगा हमारा आई कॉस आई साइन 50 की पावर क्या हो गया 5 हो गया। अब लगा दो डिमाइवर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस 250 cos 250 और प्लस आई साइन 250, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा यहाँ से क्या होगा मुख्य कोणांक क्या होगा, तो मुख्य कोणांक के लिए बेटा देखो यहाँ पे ये हमारा जा रहा होगा किसमें, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट 250 का मतलब ये है जो हमारा ये एंगल बन रहा होगा, ये एंगल हमारा 250 में से आप 360 में 250 घटा दोगे 360 में से 250, तो ये आ रहा होगा कितना 110, यानी कि ये एंगल चूंकि निगेटिव में होता है तो क्या हो जाएगा माइनस 110, क्योंकि आपको पता है मुख्य कोणांक जो होता है ना ये क्या होता है माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 110 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, मतलब ऑर्डर 3x3 का है और हमको ये क्या है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको पता है नॉन सिंगुलर सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर में मॉडुलस 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट और नॉन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो एडीजे की बात करता तो आपको पता है कि अगर एडीजे हमारा जो डिटरमिनेंट ऑफ एडीजे जो होता है दैट इज वाट दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, जहाँ एन क्या होती है कोटी होती है, तो यहाँ 3 है तो 3-1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्या है, ये दे रहा है क्या हमको थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। कह रहा है कि ये हमको दिया हुआ है 9 और ये हमको दिया हुआ है क्या 45, तो आपसे कह रहा है कि इन पर्यवेक्षणों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो इसका हमको मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन का फॉर्मूला पता है आपको क्या, एस डी जो होता है ये क्या होता है रूट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो पहले हम निकालेंगे समेशन एक्स निकालेंगे फिर समेशन एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं समेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू कहाँ तक x 18 तक। अब ये चूंकि 18 बार 8 भी है तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 8 इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहां से मैं कहता हूं समेशन ऑफ x j जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9 प्लस 144 यानी कि 153, ठीक है। फिर यहां देखते हैं इसको, ये वाला जो सेकेंड वाला आपका है इसको देखेंगे तो यही मैं लगा देता हूँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहले समेशन ओपन करेंगे तो एक्स जे स्क्वायर, मैं सीधे x कह रहा हूँ उसको x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 64 और माइनस 8 टू जा 16 और x हो जाएगा इक्वल टू क्या दिया हमको ये 45 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हमें x जो पता है, अब यहाँ से करेंगे क्या हम देखेंगे समेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 16, तो 64 क्या हो जाएगा 64 इंटू 18 हो जाएगा, 18 टाइम्स होगी है और यहां से क्या हो जाएगा माइनस 16 और 16 समेशन ऑफ x, ठीक है, और 16 समेशन ऑफ x हमारे पास क्या है 153 है और इक्वल टू क्या है 45, ठीक है। तो उसको यहां पे सॉल्व करते ला करके तो हमारे पास क्या हो जाएगा समेशन ऑफ x स्क्वायर जो हमारा आ रहा होगा वो हमारा हो जाएगा क्या 16 इंटू ए जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो 16 इंटू 153 माइनस 64 इंटू 18 और प्लस 45 तो हमारा ही है। अब यहाँ से 16 हम ले लिए कॉमन, तो 16 ऐसे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 153 और माइनस 18 का 72 और प्लस क्या हो गया 45, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ये 16 इंटू 72 जोड़ेंगे तो 8, 5, 13, 81 आ जाएगा ये और प्लस क्या हो गया 45, यानी क्या हो जाएगा 16 कम 16, 16 बटे 128 और 1 29 296
16 कम 16, 16 बटे 128 ना, तो 1296 और प्लस क्या हो जाएगा ये 45, तो ये क्या होगा 1341। 16 कम 16, 16 बटे 128 और 128 से 129, ठीक है, वही क्या आ जाएगा 45, 13, 41 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है, तुम्हारा आंसर यहाँ से बन जाएगा, देखते हैं इसको, तो इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है, तो ये हमारा जो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1341 अपॉन क्या हो जाएगा 18 और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ x कितना है हमारे पास 153 है, तो 153/18 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मैं काट देता हूँ तो क्या 9 से कट जाएगा, क्या 2 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा ये हमारे पास 17 जाएगा, 17 × 9 = 153, 9 × 2 = 18, ठीक है। अब यहाँ देखो 9 से कटेगा क्या ये 2 हो जाएगा ये, और इसको काटने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 5 = 9 होता है, तो 9 × 1 = 9, 4 × 4 = 44, 9 × 4 = 36 और 9 × 9 = 81, तो 149/2 और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास ये 17 का हो गया स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 189 बाई क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 15 × 30 298 - 289 और बटा 4, आपको पता होना चाहिए ये रूट में है सारा, ठीक है, रूट में खेल चल रहा है पूरा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9/4। अब चूंकि ये रूट में है तो रूट क्या आ जाएगा ये 3/2 आ जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 3/2, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको ट्राई कर लेगा पहले फटाफट, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको पता है जो मानक विचलन होता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्या, ये चेंज इन ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं होता है, चेंज इन ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं होता है, ओनली क्या होता है स्केल से क्या होता है इफेक्टेड होता है, ठीक है। अब देखो चेंज इन ओरिजिन मतलब क्या होगा, एडिशन क्या होगा, स्टार्ट नहीं करेगा, तो आपका जो 5x है वो क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो x यहाँ पे 10 रखें तो क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50, ये क्या हो जाएगा हमारा सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि ये हमें एक सर्कल दिया हुआ है, कह रहा लेंथ पूछा है, तो आपको पता है लेंथ क्या होती है, यहाँ से सीधे आप क्या करो उस पर पॉइंट ड्रॉ कर दो, वही क्या हो जाएगी आपकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे क्या हो जाएगा, रखेंगे ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या यहाँ से, या एक तरीका और है आपको, ये देखो आपका ये इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन पहले सर्कल का इक्वेशन लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 3/2x और प्लस 2y माइनस 1/2 = 0, ठीक है। अब देखो ये आपका एक सर्कल है, ये आपका क्या है एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है -2 और 1, ठीक है, -2 और ये 1, तो पहले चेक करो क्या -2 और 1 ऐसा नहीं ना है कि अब चूंकि इस पर रेखा यहाँ से डाली आ रही है तो लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, अब 0 तो है ना, इसका मतलब क्या है वो लाइन पे नहीं है, तो यहाँ से अगर हमने इसको मिला दिया और यहाँ से हमारी स्पर्शी जा रही है, आपको पता है स्पर्शी पर को अगर क्या सेंटर से मिलाया जाता है तो वो क्या होता है उसमें परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, इसमें से किसी को बेस मान लो क्या इसी को हाइट मान लो, ठीक है, ठीक है, आते हैं इस पॉइंट पे, तुम्हारा सेंटर क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ से सेंटर जो हमारा हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा क्या 3/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा -1, तो सेंटर हो गया हमारा 3/4 और -1, ठीक है, और यहाँ से हमारा h रेडियस क्या आ जाएगा r निकालेंगे हम, तो रूट में क्या आ जाएगा 9/16 और प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा ये 1/2, ठीक है, तो हमारा सेंटर क्या रहा होगा देखोगे 16 × 25 तो जाएगा क्या 25 और माइनस क्या हो जाएगा 8/16 तो ये क्या होगा 17 × 25 = 17/16, ठीक है, ये बन रहा होगा क्या, ठीक है, 3/4 का 9/16 हो गया, इसका हो जाएगा 1 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 25 प्लस हो जाएगा 25 × 8 = 33, ठीक है, तो ये जाएगा आपका 33, ठीक है, 33/16, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 16, 16 × 8 = 24, 9 = 33, 33 × 16 हो गए, तो क्या आ गया 13/33/16। अब आप देखोगे यहाँ से क्या है कि आप लगा दो यहाँ से क्या, आप यहाँ से लगा दें इसके बाद इसमें भाई आपको ये पता चले कि आपको यहाँ लेंथ निकाल लेते हैं, तो हमारा मान लो ए एंड ए है, तो ए भी निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से, ए भी हमारा ए भी निकाल लेंगे यहाँ से, तो इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 4 × 8 = 11 11/4 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से
वन वन टू का स्क्वायर तो जाएगा फोर, ठीक है। अभी क्या इसमें रूट में है, तो यहाँ से क्या आ रहा होगा लेंथ, ये 121/16 और प्लस हो जाएगा ये 4। यहाँ देखें 16 चौका 64, 21 के 185 बटा क्या हो गया हमारा 16 हो गया, ठीक है, और ये रूट में आ गया है। तो ये हमारे ए बी की लेंथ हो गई। अब यहाँ से आपको ये लेंथ मिल गई, आपको ये लेंथ मिल गई, आप क्या करो इजीली आप निकाल सकते हो क्या लेंथ को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, निकाल लेंगे ये हो गया हमारा ये पॉइंट इसका स्क्वायर, तो 185/16 इसको टू क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 33/16 का, ये भी हमारा किसमें रूट में ही है, 33/16 हो जाएगा हमारा यहाँ से, और क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कर दो सीधे, यहाँ से माइनस कर देते हैं, इसक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, इसक्वल टू क्या हो जाएगा लेंथ आपकी जो भी लेंथ है आपकी ए ओ जो भी है, ठीक है, ए बी जो भी ए बी स्क्वायर हो जाएगा, मान लो ये ए बी तो नहीं है ये, हाँ मान लो ए बी पॉइंट है ये, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे इसको, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा होगा देखो, घटा देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, 152/16 क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी स्क्वायर है ना, तो ए बी स्क्वायर यहाँ देखो 1/2 इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 से कटेगा क्या ये, ठीक है 4 से कटेगा तो 4 चौका ये हो जाएगा 16 और 4 से काटेंगे 4 3 12 और 4 8 32 38, ठीक है। तो यहाँ से और कर सकते हो क्या 38, यानी कि ए बी हमारा हो जाएगा जो वो क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा 38, यानी कि 1/2 और रूट 38 है कोई ऑप्शन, तो ये हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो बहुत सिंपल सा है, कह रहा है क्या इसको देखने पहले ट्राई करें आप, यदि बिंदुओं ए और बी की स्थिति यदि हुई है, ठीक है, तब ए बी का त्रिखंडित भाग का स्थिति क्या होगा, ठीक है। तो त्रिखंडित भाग मतलब देखो ये पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 खंड में टूट गया, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, तो एक बार लगाओगे यहां से 1:2 और यहां से फिर यहां के लिए यहां से यहां होगा तुम्हारा, यहां से यहां तक देखो आपका यहां से यहां तक हो जाएगा 1 और यहां से यहां तक हो जाएगा क्या 2, ठीक है। फिर एक बार देखेंगे ये मान लो पी है ये क्यू है, तो P Q के लिए क्या हो गया देखो AP रेशियो PB क्या हो जाएगा 1:2 एक बार, और फिर क्या हो जाएगा AQ रेशियो QB ये क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको यानी P और Q को आप निकालना, आपको निकालना, ठीक है। तो आप सिंपली देखो कैसे करोगे, देखो मैंने कहा कि भाई ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2-1 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको 1:2 में करना है 1:2 को, तो 2 का डिवाइड इसमें ऐसे देखो, जब आपको 1:2 करना है तो 1 का डिवाइड इसमें 2 का इसमें, ठीक है। तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 4/3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 5/3 कहीं आया है भाई, 2 2 जा 4 5/3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो ये हमारा कर रहे हैं 5/3 के लिए आ जाएगा ये 5/3। अब देखो इसको करेंगे तो 1 2 या 2 और 2a-2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी k गायब है, i है कि j गायब है, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5/3 हो जाएगा ये, और 1 का 3 से करेंगे तो 3 और क्या हो जाएगा ये 8 3+8/3, तो 8 9 11 3 प्लस में आएगा, तो ये बचा है केवल प्लस वाला, ठीक है। इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, जब इसका 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 2 और यहाँ क्या आएगा 2 2 4/3, ठीक है। फिर इसका इसमें करोगे तो -1 और इसका हो जाएगा क्या 4 + 4/3, फिर इसका करोगे इसमें 4 और इसमें करोगे क्या 6/3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। ये है जे हमारा क्या हो जाएगा 3/3, सही है, बिल्कुल सही है, ये भी हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो आप क्या करो उसमें हिडन ट्राई लगा करके भी कर सकते हो आंसर को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमको उस गोले का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है, जिसमें क्या है 1 1 1 है। तो आपको पता है गोले का समीकरण निकालना होता है, तो क्या करते हैं जैसे आप करते हैं ना x-y ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो बन रहा होगा क्या, निगेटिव में आएगा हमारा ये -2 -2 -2, ठीक है, ये आ जाएगा निगेटिव में, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि जो सेंटर देखोगे ना आप सेंटर, तो इसके इसके निगेटिव सेंटर बन जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव में है तो ये हमारा निगेटिव में आएगा, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो ये दोनों बन सकते हैं, अब इन दोनों को देखेंगे इन दोनों में क्या हो जाएगा हमारा। अब कह रहा कि ये अगर 3 3 2 से पास करता है, अगर ये 3 3 2 से पास करता है तो जाहिर सी बात है कि इसको सेटिस्फाई करेगा हमारा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई फटाफट इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, तो 3 से करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा 9 3 3 9 और प्लस ये भी 9 और प्लस क्या हो जाएगा 2 2
चार हो जाएगा, माइनस तीन दुना छः माइनस छः, और प्लस क्या हो जाएगा, दो दुना चार हो जाएगा ना ये। तो देखो ये जाएगा छः छः बारह, बारह चार सोलह, ये जीरो तो नहीं हो रहा है। अब देखो इसको सम करने पे मिल क्या रहा है हमको, देखो छः छः बारह हो गए, तो बारह नौ नौ अठारह, अठारह चार बाईस, बाईस चार बाईस या छब्बीस, छब्बीस माइनस बारह, फिर चेक करते हैं, तीन तिक्का नौ, तीन तिक्का नौ, दो दूना चार, ठीक है, माइनस छः माइनस माइनस छः और माइनस चार, सॉरी ये माइनस चार होगा, यहाँ पे ये माइनस फोर होगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे तब क्या बन जाएगा हमारा, ये नौ नौ अठारह चार बाईस, और बाईस माइनस क्या आ जाएगा, छः छः बारह चार सोलह, तो ये क्या आ रहा होगा, छः आ रहा होगा ना, तो ये क्या होगा, छः यहाँ पे आ रहा है, तो सी वाला क्या आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, क्या ये दिया हुआ, ठीक है, चेक ट्राई कर लें एक बार। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कुछ बनना होगा, वाई इज इक्वल टू रूट में साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा क्या ये, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या बन रहा होगा, ये साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो टू वाई, और ये आएगा माइनस वन इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वो कहते हैं ना कि हर योद्धा का सबसे ज्यादा भरोसा उसकी तलवार पर होता है, क्योंकि उसकी बदौलत ही वो हर युद्ध को जीतता है या फिर हारता है। ठीक वैसे ही आपकी तलवार है आपकी किताबें, जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षा की तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस प्रिपरेशन बुक, क्योंकि एमकेसी पब्लिकेशन केवल बनाता है डिफेंस ओरिएंटेड बुक, 15 साल के बेहतरीन अनुभव के आधार पर। साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप इन बुक्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ चैप्टर वाइज सब टॉपिक एनालिसिस विद प्रॉपर एग्जांपल, और साथ ही साथ बेहतरीन कलेक्शन सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को आपको मिलेंगे, और बेहतरीन मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, जिसके माध्यम से ज्यादा सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और मिसलेनियस और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ये रियलाइज कर पाए कि वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे खुद को बेहतर करके मेहनत करके अपनी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करना है। तो आज ही ऑर्डर करिए अपनी तैयारी के लिए और डिफेंस में निश्चित सफलता के लिए dlp.majorkalsiclasses.com पर, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और यही होगा माध्यम जिससे आप पाएंगे रक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता। तो कीजिए अपनी सफलता की बुलंदी की शुरुआत एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ। तो विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत। यहाँ कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको प्लस एन ए पावर में एन दिया हुआ है, और यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और एक्स इन डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो पहले आप निकालो खटाक से यहाँ से क्या, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाले चलते हैं हम यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालने जाएंगे हम, तो देख रहे होंगे क्या ये पावर एन है ना, तो पहले क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब अंदर वाले का करेंगे, ठीक है, अंदर वाले करेंगे तो वन का हो जाएगा ये वन, एक्स का हो जाएगा वन, और क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू टू एक्स, ठीक है, और क्या बचा, और कोई बचा नहीं, तो यहाँ से टू कैंसिल आउट। अब देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा एन, और ये एक्स प्लस रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ हम देख रहे होंगे क्या ये जगह फिर से हमारा क्या है एक्स प्लस वन रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर और बाई रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो बन गया फिर से वही क्या, तो ये देखो ये हमारा फिर से एन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि हमारा हो जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमारा बन रहा होगा, वो क्या बन जाएगा एन इन टू, अब ये क्या था हमारा वाई के बराबर था एन इन टू वाई अपॉन रूट में क्या हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वाई सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे देख रहे होंगे क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, यहाँ लगा देंगे यू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जाएगा रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एन, और डी वाई बाई
dx और माइनस में क्या हो जाएगा ny और इनटू और ये जाएगा हमारा क्या 1y 2 रूट में 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बन जाएगा केवल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब LCM लेंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और इनटू अब n को बाहर लेते आते हैं। ठीक है, n को हम बाहर लेते आते हैं क्योंकि n के अंदर कोई जरूरत नहीं है, तो n हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हम आ गए क्या 1 प्लस स्क्वायर हो जाएगा क्या हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा इनटू, अब देखो इनटू क्या है n और इनटू जाएगा क्या n डी वाई बाई एन तो हमारा बाहर आ गया था तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एन वाई एन एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अब डी वाई बाई डी एक्स पुट कर देंगे यहाँ से ना। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या हमारा, ये तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा वाई एन वाई माइनस एन एन तुम्हारा हट गया था यहाँ से, ये जाएगा केवल एक्स और ये वाई अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कट पिट के आपका सब कुछ जो आ जाएगा वो क्या रहा होगा एन स्क्वायर वाई आ रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सॉल्व करने वैल्यू को रख दोगे तो आपका एन स्क्वायर वाई यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, साइन क्यूब एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स का महत्तम मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, दो चीज़ें। ठीक है, या तो आप वैल्यू पुटिंग लगा दो सीधे 1/√2 √2 1/√2 √2 तो आपका आंसर बन जाएगा, या तो क्या करो आप इसको AOD लगा दो। ठीक है, तो एफ एक्स हमने क्या दिया, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, तो जो एफ डैश एक्स हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स और यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर 0 करके क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से देखो 3 कॉमन हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या हो रहा होगा ये साइन एक्स और माइनस क्या हो रहा होगा यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कॉस एक्स, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 0। ठीक है, अब ये तो 0 होने से रहा। ठीक है, तो इसको 0 कर सकते हैं, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 क्योंकि साइन x और कॉस x बराबर तभी होते हैं पाई बाई 4 पे ही। ठीक है, अब हम निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन ताकि चेक कर लें कि ये क्या हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है तो ये क्या हो जाएगा, इस पर वैसे वही मिलेगा, तो साइन क्यूब क्या हो जाएगा 1/√2 और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ये क्या हो रहा हमारे पास 2/√2, तो यहाँ से कट जाएगा वैल्यू। देख चेक करते हैं क्या हमारे पास यहाँ से वाकई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका एफ डबल डैश एक्स, तो आप देख रहे होंगे क्या एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, अब या तो ये मिल जाएगा या तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/2 साइन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, ए भी 0 आ गया। ठीक है, तो 0 और 45 दो वैल्यूज मिल रही ना हमको, पाई बाई 4 और 0 मिल रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 पे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और पाई 4 पे क्या हो रहा है, ये नहीं मिला। ठीक है, तो एफ डबल डैश करते हैं, तो एफ डबल डैश देखो क्या हो जाएगा, देखो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2 sin x कॉस एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन क्यूब एक्स कर देते हैं सीधे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा वो, तो माइनस साइन क्यूब हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स। ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखोगे प्लस तो बाहर हमारा है, माइनस हो जाएगा ऑलरेडी ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा हमारे पास क्या 2 cos x sin x। ठीक है, क्योंकि ये साइन है तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये करेंगे माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स। अब देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या 0, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे पाई बाई 4, तो एफ डबल डैश एक्स
यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, जब पाई बाई फोर रखेंगे, पाई बाई फोर पे क्या हो जाएगा ये, पहले जीरो रख लेते हैं, जीरो पे आसान है, जीरो पे चेक कर लेंगे, तो जीरो पे क्या बन जाएगा हमारा ये, जीरो पे तो ये जाएगा हमारा पूरा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा हमारा जीरो, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस थ्री आ गया ना, तो माइनस थ्री मतलब क्या, इसी पे हमको माइनस थ्री मतलब लेस देन जीरो, यानी कि इस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तो रख देंगे जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वन आ जाएगा। ये क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास x प्लस वन, तो यहाँ से क्या करो, x को कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बनाने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब एंटी डेरिवेटिव को चाहो तो आप सीधे बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे x प्लस वन है, तो देखते हैं x प्लस वन वाला क्या है, ये है, चेक करते हैं इसको। तो डी बाई डी एस इसका निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्या है हमारे पास है, ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक है। अब देखो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, इसको जब इसका यू बाई वी लगा देंगे, तो ऊपर भी यू है नीचे भी वी है, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये रूट में एक्स माइनस वन अपॉन रूट में एक्स प्लस वन, ठीक है। अब अगर डी वाई डी एक्स इसका, तो आप चेक करोगे ना, तो यहां से क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर को छोड़ करके ऊपर का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा एक्स प्लस वन और इंटू वन बाई टू रूट में एक्स माइनस वन, ठीक है। प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा हमारे पास क्या, फिर से यहाँ से रूट में एक्स माइनस वन और इंटू वन बाई टू रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ से रूट में क्या एक्स प्लस वन हट जाएगा, बस आगे एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ऊपर क्या बन रहा होगा हमारा, ये बन जाएगा इसका मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस वन बाई टू और इंटू क्या हो जाएगा ये एक्स माइनस वन बाई टू, तो बीच में क्या है माइनस है, अपॉन में क्या आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये टू आ जाएगा नीचे, देखो यहाँ से हमारा क्या हो गया एक्स एक्स कट जाएगा, ये क्या वन वन टू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और हो गया एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव लगा करके, ठीक है। वैसे तरीका ये क्या है, आप इसको क्या एक्स स्क्वायर ले लोगे बाहर, बाहर वन बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स, और रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x लिया, यहाँ से भी x लिया है, तो क्या जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो वन प्लस वन बाई एक्स को मान लोगे आप t, तो यहाँ से क्या कट जाएगा, ये आपका आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ये जो है, ये जो पूर्णांक हमारा कह रहा है जीरो से इलेवन तक, ठीक है। तो जीरो से देखो, जीरो से वन में क्या होगा जीरो, फिर जीरो से वन से टू में क्या होगा वन, फिर वन से टू में टू, फिर थ्री, फिर फोर, एफ टू कहाँ तक जाएगा, ये टेन तक जाएगा ना भाई। टेन से इलेवन में क्या हो रहा होगा, टेन हो रहा होगा, बस सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये फोर्टी फाइव, फिफ्टी फाइव, दस गुणे ग्यारह बटा दो, तो क्या हो जाएगा ये फिफ्टी फाइव हो रहा होगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो उसको सॉल्व करें आप, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, ये एल डी ई है, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स के टर्म में कुछ तोड़ना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्स लॉग एक्स से डिवाइड कर देंगे सब में, तो देखोगे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास टू लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स। हमें क्या चाहिए, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e की पावर पी एक्स डी एक्स, ठीक है, पी एक्स डी एक्स। तो वो हमारे पास क्या है, e की पावर हो जाएगा हमारे पास क्या वन बाई एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को t मान लेंगे, तो क्या जाएगा वन बाई एक्स कट जाएगा, तो e की पावर जाएगा क्या वन बाई टी डी टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर लॉग t और प्लस c, तो लॉग t कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा e की पावर, अब देखो log t आ गया ना, तो t हमारा क्या है, t हमने माना था किसको log x को ना, तो e की पावर क्या आ जाएगा, ये केवल t आ गया t प्लस c और t माना किसने log x ना, तो log x क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे c हमारा नहीं रहेगा, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c नहीं होता है, तो ये आ गया log x हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि x बराबर वन, ये भी क्या है हमारे पास एक जीपी है,
ये भी एक जीपी है और ये भी क्या है, एक जीपी है। तो कह रहा है कि 1ab स्क्वायर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो पहले x निकालेंगे, तो x हमारा क्या हो जाएगा, 1/(1 - a) सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। y भी क्या हो जाएगा, 1/(1 - b) सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब ये देखोगे इसका क्या हो जाएगा, हमारा इसका समझो हो रहा होगा, मान लो इसको s मान लिया हमने, तो ये हो रहा होगा हमारे पास क्या, 1/(1 - ab)। ठीक है, तो पहले इसको a में कन्वर्ट कर लेते हैं, a निकाल लेते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा x x माइनस ए एक्स इक्वल टू 1। यहां से क्या आ जाएगा, ए एक्स इक्वल टू x माइनस 1, या ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, सिमिलरली y निकाल लेंगे, तो y हमारा क्या हो जाएगा, देखो ऐसे 1, तो y हमारा b हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 1/y, बस इसमें रख दो। तो s इक्वल टू क्या हो रहा होगा हमारे पास, 1/(1 - x) और y - 1/y। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/(x, y - देखो ऐसा करोगे तो xy हो जाएगा ये, और फिर क्या हो जाएगा -x - y और +1 अपॉन में क्या हो जाएगा xy, तो xy चला जाएगा ऊपर हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, xy अपॉन में xy कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा x + y - 1। तो x + y - 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, कितने इसमें पहले चेक करोगे क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, भैया ये स्टार्ट होगा क्या, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और एंड सो ऑन, ये कहा जाएगा 2 की पावर n तक। तो यहाँ से यहाँ तक n टर्म हो गया, तो n+1 टर्म हो जाएगा ना यहाँ पे। और gm क्या होता है, इनका प्रोडक्ट की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, 2 की पावर n, और पावर क्या हो जाएगा, 1/(n+1)। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 + 1 + 2 एंड सो ऑन कहाँ तक, n तक, और इनटू क्या हो जाएगा, 1/(n+1)। तो ये होता है क्या, 2 की पावर n + n + 1 इंटू n/2 इंटू 1/(n+1)। तो ये कट जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर n/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके कह रहा है कि 5 अंकों की संख्याओं का योगफल कितना होगा, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति जो है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इन दैट केस में अब क्या करोगे आप, तो अब ये बनाओगे आप इसमें, इसका सम क्या होता है, पहले आप देखो सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको एस लिया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 15 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब इसका सम क्या होता है, टोटल जितने सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, यानी कितने नंबर का संख्या बनाना है, इंटू क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 कितनी बार, एन बार। तो एस कितना हो गया, 15। ठीक है, 5 4 3 12 14 15, ठीक है 15 हो गया, अगुड़े क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, तो 5 4 हो जाएगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 24, अगुड़े 1 2 3 4 5, तो 5 4 60 हो जाएगा 0, 5 30 और 30 36, तो 360 × 11 11 1। तो देखो ऐसे में क्या बन रहा होगा, ये 36 का पड़ा पड़ेंगे 36 का एक बार, फिर 9 फिर 9 फिर 9, फिर आएगा क्या आपका 39 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, लास्ट वाला ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा कि किसी बल्ब की प्रायिकता आपको दी हुई है 1/10, तो माध्य था विसरण खराब बल्ब का वितरण 400 में से। ठीक है, तो n कितना दिया आपको, 400 दिया हुआ है। p कितना दिया है भैया, बल्ब खराब होने का p क्या दिया है, ये 1/10। ठीक है, तो कह रहा है विसरण बल्ब खराब का वितरण क्या 400 में से, खराब बल्ब का वितरण कैसे होगा। ठीक है, बस लगा दो क्या, np होता है माध्य, तो हो जाएगा 400 × 1/10, क्योंकि क्या बोल रहा है, किसी खराब बल्ब का इतना, और विसरण किसका, खराब बल्ब का विसरण, तो np हो जाएगा क्या 40, और npq होता है क्या हमारा विसरण होता है, npq विसरण क्या हो जाएगा भाई, pq यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/10 आ रहा होगा। तो npq 40 × 9/10 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 9 4 36। ठीक है, 40 और 36, 40 और 36, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो दिया हुआ है क्या हमको, हमको दिया है cos x इक्वल टू 3 cos y, हमसे पूछा क्या tan y माइनस x, ठीक है। तो tan y माइनस x का मतलब क्या है, पहले हम देखेंगे क्या cos x अपॉन cos y हमारा क्या हो रहा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 y, और हो जाएगा लगा देंगे कंपोनेंट डिविडेंडो, ठीक है। तो cos x प्लस cos y अपॉन cos x माइनस cos y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखोगे 3 by 1 ना, तो 3 plus 1 अपॉन 3 minus 1, सीडी रूल लगाया हमने यहाँ पे। तो cos आपको पता है cos c plus d क्या होता है, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 into cos c minus d by 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 cos x cos y हो जाएगा 2 sin साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 4 by 2 हो जाएगा, ये यानी कि 2 हो जाएगा सीधे। अब देखो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो यहां से हो जाएगा 2 cot x प्लस y बाई टू इंटू टेन इंटू cot इंटू कॉट है कि हमारा x माइनस या y माइनस x कर दो, ठीक है। नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे यहाँ पे cos को y माइनस x लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y क्या जाएगा फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। इक्वल टू क्या हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमसे पूछा क्या, ये उस पर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, ये उस पर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सीधे cot x प्लस y बाई cot x प्लस y बाई 2, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 25, कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर a sin स्क्वायर x, साइन स्क्वायर है ए साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या हो बी कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर ए क्या है ग्रेटर देन बी है तो मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है ए और मिनिमम कितना होता है बी, ठीक है, इसको आप रट लें, ठीक है। तो भाई कॉस क्या है, ए बड़ा है 4, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। दैट वॉज ऑल अबाउट द मॉडल पेपर क्वेश्चन, वी विल कम सून विद बेटर क्वेश्चन विद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन साथ आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहे हम हमारे साथ, टाटा बाय बाय, जय हिंद। 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में अपार सफलता के बाद मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए लेके आया है एमकेसी का ऑनलाइन क्लास एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां पर लाखों बच्चों की तरह आप भी घर बैठे कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में सफलता की सुनिश्चित तैयारी। एमकेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपकी पढ़ाई ऑफलाइन क्लासेस से कहीं भी अलग नहीं है। जो फैसिलिटीज हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं सेम फैसिलिटीज हमने दी एमकेसी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे एमकेसी लर्निंग ऐप पर, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, टीचिंग प्लान जिस प्रोजेक्शन से आप अपनी पूरी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, डेली होगा आपके सामने असाइनमेंट्स, डाउट काउंटर फैसिलिटी, अपनी हर इंडिविजुअल समस्या को आप डाउट काउंटर में रख सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको विद इन 24 आवर्स, ऑनलाइन टेस्ट, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन जहां 1-to-1 अपने टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेली अटेंडेंस जिससे मॉनिटर की जाएगी आपके अटेंडेंस और रेगुलरिटीज के विषय में, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, दैट मीन कुछ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने का भी अधिकार आपको होगा, डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स मिलेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट उठिए और तेजी के साथ डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप का, और बढ़ाइए अपना कदम रक्षा क्षेत्र की ओर। विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।